much. Okay, thank you. Very, very nice. Thank you. जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नए ड्यूटी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया जी हमारे साथ इस वक्त खुशी बातचीत के लिए मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर किस तरह के काम अब रहेंगे, क्योंकि अब आपने ड्यूटी मेयर का ओहदा संभाला है, तो आने वाले वक्त में किस तरह के काम रहेंगे? देखो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि जिन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता पे विश्वास किया है, मुझे डिप्टी मेयर बनाया है। मैं पार्टी को भी हमारे से बहुत अपेक्षाएं हैं, हम उनकी अपेक्षाएं पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जम्मू के लोगों को भी हमारे पर बहुत आशाएं और अपेक्षाएं हैं, हम उनके ऊपर भी पूरी मेहनत कड़ी मेहनत नेक नीत और ईमानदारी से काम करेंगे। जहाँ तक कामों का सवाल है, जो पहले लोग रहे हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है, हम उन्हीं के कामों को और गति देने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को ऑफिस के चक्कर नहीं काटना पड़े। हम सोच रहे हैं कि हमारा आगे डिजिटलाइज हुआ है, कुछ ऑनलाइन काम हो रहे हैं, बाकी काम भी ऑनलाइन करने के प्रयास करेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, उसका देखेंगे क्या हो रहा है, सफाई व्यवस्था इससे बेहतर और कैसे हो सके उनको ठीक करना है। हम बैठ के एक रोड मैप बनाएंगे, उस रोड मैप को आपके साथ भी शेयर करेंगे और लोगों को एक अच्छा माहौल देने की कोशिश। सर इससे पहले की अगर बात करें, इससे पहले लगातार लोग इल्जाम आयद कर रहे थे, जगह जगह गंदगी के ढेर होते हैं, थोड़ी सी बारिश आ जाए जम्मू की सड़कें खराब हो जाती हैं, तो क्या उम्मीद करें कि अब इन कामों में बेहतरी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों ने काफी यकीन करके आपको इस चेयर पर आपको बिठाया। आपको जम्मू रहते हुए कितनी देर होगी? सर 5 से 6 साल। अपने काम हो गए ना, आज से 5-6 साल पहले जो जम्मू था जगह जगह गंदगी के ढेर तब थे, जब 2018 में कॉर्पोरेशन बनी उसके बाद आपको कहीं भी गंदगी का ढेर नहीं मिल रहा, बहुत सफाई हुई है। लेकिन आज जो कमी पेशी है हम उसको भी ठीक करेंगे, आप चिंता मत करो। जो आदमी 4 साल के बाद जम्मू में आज आ रहा है देख रहा है उसको जम्मू अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे काम हुए हैं, पहले भी काम हुए हैं, इससे और आगे करेंगे, अच्छा एक माहौल देंगे। बिल्कुल सर, एक और सवाल रहेगा, कल कांग्रेसियों ने इलेक्शन बाइकाट कर दिया था, क्या उन्हें पता थी कि हमें हार का सामना करना पड़ेगा? हाँ उनको पता था, उन्होंने एक बड़ा लगता है कि उन्होंने अच्छा एक कदम लिया कि उन्होंने एक इज्जत से निकल गए। अगर वोटिंग होती तो शायद जो अपने वोट थे वो भी उनको नहीं पड़ते, तो ठीक है, उनकी पॉलिसी थी, उनकी पार्टी है, जैसे उन्होंने डायरेक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ओपन बेल्ट से वोटिंग हो रही है, उन्होंने भी अपनी राजनीति करनी है। बाकी ओपन बैलेट की जहाँ तक बात है, ये बड़ी पहले की अमेंडमेंट हुई है, अगर कांग्रेस को इतराज होता तो जब अमेंडमेंट हुई थी बोलना चाहिए था, इनकी पार्टी है, नेशनल पार्टी है ये, अब ये बोले नहीं, जब नोटिफिकेशन निकली तब भी नहीं बोले, क्या वोट डालने थे उससे 5 मिनट पहले बोले, तो इनको इंडिपेंडेंस ने हमें समर्थन दे दिया, ये अकेले पड़ गए, इनके जो बच्चे अपने कांग्रेस के हैं वो भी आधे गुलाम नबी आजाद जी के साथ चले गए, इनको डर था जो हैं वो भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने एग्जिट लिया है एक तरीके से। अच्छा सर, यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और गुलाम नबी आजाद साहब के साथ भी कुछ कॉर्पोरेटर्स जुड़े हुए हैं, किस तरह से उन्हें एकजुट होकर अब आने वाले वक्त में डेवलपमेंटल वर्क्स करने हो? हम मिलकर काम करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स से उसके काम करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कांग्रेस का है, इंडिपेंडेंट का है, बीजेपी का है, नहीं, हम 75 के 75 वार्डों में बराबर विकास करेंगे, सबको बराबर शेयर देंगे और एक फैमिली की तरह काम करेंगे, जम्मू के विकास के लिए काम करेंगे, जहाँ हम राजनीति नहीं करेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बलदेव सिंह बिलोरिया जी थे हमारे साथ और अभी इन्होंने ड्यूटी मेयर का ओहदा संभाला है, तो आज ज्यादा सवालात बनते नहीं है, कोशिश करेंगे कि थोड़े टाइम बाद इनसे हम जरूर सवालात करेंगे कि जम्मू में क्या कुछ बदल रहा है, किस तरह स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और जम्मू में जो लोगों की शिकायतें हैं उन पर किस तरह से काम किया जा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरी और शोरे के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।